हाय गाइस, वेलकम बैक टू नर्सिंग बेसिक एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग का टॉपिक है और मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर का सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम जानेंगे डेफिनेशन कि क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है। सो यहाँ पे लिखा है कि क्वालिटी एश्योरेंस इज अ प्रोग्राम अडॉप्टेड बाय एन इंस्टीट्यूशन। ये एक तरीके का क्या होता है, प्रोग्राम होता है। किसके द्वारा अडॉप्ट किया जाता है, एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा, यानी किसी संस्थान के द्वारा क्वालिटी एश्योरेंस को अडॉप्ट करना ताकि बेस्ट पॉसिबल केयर दी जा सके, इसलिए ये क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम को अडॉप्ट किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट कंसेप्ट, इसका कंसेप्ट क्या था। सो डेवलपमेंट नॉर्म्स स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। किसी भी कॉलेज को चलाने के लिए या किसी हॉस्पिटल को अच्छे तरीके से चलाने के लिए हर हॉस्पिटल के नॉर्म्स होते हैं, स्टैंडर्ड होता है और गाइडलाइंस होते हैं जिन्हें फॉलो करके ही उसकी क्वालिटी को या फिर उसके स्टैंडर्ड को बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, कंसेप्ट है क्वालिटी एश्योरेंस के। नेक्स्ट है कि कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम को। फर्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ इंटरेस्ट। अगर हमें क्वालिटी केयर देना है हॉस्पिटल में पर स्टाफ को कोई इंटरेस्ट नहीं है पेशेंट को केयर देने में, तो क्या उसकी क्वालिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, तो लैक ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, अफेक्ट पड़ेगा क्वालिटी एश्योरेंस के लिए। नेक्स्ट है लैक ऑफ रिसोर्सेज। एक अच्छे हॉस्पिटल को अच्छे से चलाने के लिए या किसी इंस्टीट्यूशंस को अच्छे तरीके से चलाने के लिए हमें रिसोर्सेज की जरूरत होती है। हमें मटेरियल्स चाहिए, मनी चाहिए, मैन पावर चाहिए, ये सारी चीजें अवेलेबल होना चाहिए, तभी हम एक क्वालिटी एजुकेशन एक इंस्टीट्यूशन में दे सकते हैं या फिर क्वालिटी केयर दे सकते हैं किसी हॉस्पिटल में। नेक्स्ट है पर्सनल प्रॉब्लम। क्या होता है कि पर्सनल प्रॉब्लम में कि जो कर्मचारी होते हैं हॉस्पिटल में उनकी भी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो अगर डेफिशिएंसी है स्टाफ नर्स की जो, तो वो कैसे पेशेंट को केयर प्रोवाइड करेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं जो पर्सनल के प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वो अफेक्ट करेंगे क्वालिटी एश्योरेंस को। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर मेंटेनेंस। अगर कोई हॉस्पिटल है सारे जो माल इंस्ट्रूमेंट रखे गए हैं तो उन इंस्ट्रूमेंट का मेंटेनेंस नहीं होना क्या पेशेंट की केयर पे अफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए सारे इंस्ट्रूमेंट का मेंटेनेंस, कॉलेज का मेंटेनेंस या जो हॉस्पिटल है उसका मेंटेनेंस करना जरूरी है, क्योंकि ये सारे क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड गिरा सकते हैं, क्वालिटी को कम कर सकते हैं, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे कोई भी संस्थान या इंस्टीट्यूशन हो। नेक्स्ट है लैक ऑफ नर्सिंग केयर रिकॉर्ड। हॉस्पिटल में क्या होता है, कोई भी पेशेंट अगर एडमिट होता है तो पेशेंट की पूरी डिटेल्स ली जाती है। ठीक है, नेम, एज, सेक्स, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, उसके जो एड्रेस है, हर चीज का क्या डेटा या रिकॉर्ड रखा जाता है। पेशेंट के जो एडमिशन डेट का पेशेंट आया, वो सारी चीजें एक रिकॉर्ड बना के रखी जाती है। पर अगर रिकॉर्ड नहीं बनेगा तो क्या होगा, वो क्वालिटी को गिरा सकता है, इसलिए क्वालिटी एश्योरेंस के फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है लैक ऑफ गुड फैसिलिटीज। हर हॉस्पिटल में अच्छा अगर फैसिलिटीज होगा तो अच्छी स्टैंडर्ड केयर दी जाएंगी, पर अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, हर चीज अवेलेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू नीड्स, इसीलिए क्वालिटी एश्योरेंस को अफेक्ट करेगा। सो इसलिए हमें क्या चाहिए, गुड फैसिलिटीज होनी चाहिए किसी इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए या किसी भी हॉस्पिटल को। तो ये रहा हमारा पूरा फैक्टर जो अफेक्ट करेंगे क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम को। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो करने हैं। नेक्स्ट है कस्टमर फोकस। क्या करना है, कस्टमर पे फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट है लीडरशिप। अगर कोई हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल को रन करने के लिए लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, तभी एक हॉस्पिटल अच्छे से रन कर पाएगा और क्वालिटी जो केयर है वो प्रोवाइड की जा सकती है। नेक्स्ट है इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल। अगर जैसे कि पूरा हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में बहुत सारे स्टाफ होते हैं अलग अलग वार्ड में, तो हर एक वार्ड में जो स्टाफ प्रेजेंट है उनका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ही जरूरी है। फॉर एग्जांपल कोई मीटिंग रखी गई तो सारे स्टाफ का वहां पे आना जरूरी है, कोई कॉन्फ्रेंस रखा गया तो सारे जो स्टाफ है उनका इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट। कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट की जैसे कि कोई इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, कोई संस्थान है जैसे कि कोई कॉलेज है नर्सिंग का, तो सबसे पहले क्या आता है ANM, एक्चुअली नर्स मिडवाइफरी जो होती है, तो ANM जो कोर्स होता है वो 2 साल का होता है। अगर उस कॉलेज में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है, ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि अब अगले साल क्या आएगा,
इंस्पेक्शन के द्वारा अगर इंस्पेक्शन हो जाता है, आईएन से प्रूफ कर देते हैं कि हाँ ये कॉलेज अच्छा है, सारी चीजें जो एक बच्चे को मिलनी चाहिए स्टूडेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, फैसिलिटीज, एक स्टैंडर्ड एजुकेशन, तो क्या होगा, उस कॉलेज का प्रमोशन होगा। कैसे प्रमोशन होगा, मतलब अगर ANM है तो फिर क्या होगा, INC जब अप्रूव कर देगी तो JNM आ जाएगा, फिर JNM के लिए जो 3 साल का एजुकेशन दिया जाएगा, तो JNM में भी क्या क्वालिटी केयर देनी चाहिए, जो जो चीजें चाहिए नीड्स है अकॉर्डिंग टू कोर्स वो प्रोवाइड कराना है। फिर नेक्स्ट साल क्या होगा कि BSc नर्सिंग आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रमोशन होना जरूरी है किसी भी क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, तभी एक अच्छा इंस्टीट्यूशन बन पाएगा, तभी एक अच्छे तरीके से कोई भी हॉस्पिटल रन कर पाएगा। नेक्स्ट है फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग। अगर हमें कोई डिसीजन लेना है तो फैक्ट के बेस पे लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है म्यूचुअल बेनिफिशियल सप्लाई रिलेशनशिप। अगर हम कोई काम करते हैं तो सामने वाला जो हमें कोऑपरेट करता है उसे भी बेनिफिट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हॉस्पिटल रन करा रहे हैं तो हॉस्पिटल रन कराने में सबका बेनिफिट होना चाहिए, चाहे स्टाफ हो, चाहे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो, चाहे पेशेंट हो, चाहे जो हॉस्पिटल के मालिक है वो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम एक अकेला बंदा हॉस्पिटल को रन कर सकता है, सिर्फ उसी की बेनिफिट हो, ऐसा नहीं है। जो हमारे साथ वर्कर्स हैं, जो हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, उनका भी बेनिफिट होना जरूरी है, तभी एक वो अपना इंटरेस्ट हमारे हॉस्पिटल के प्रति दिखा पाएंगे। सो ये रहा हमारा पूरा प्रिंसिपल, जो कि क्वालिटी एश्योरेंस के लिए बहुत ही जरूरी होता है। सो अब है हमारा कंपोनेंट्स की, क्वालिटी एश्योरेंस के कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो जरूरी होते हैं क्वालिटी केयर देने के लिए। क्वालिटी एश्योरेंस के कंपोनेंट 3 होते हैं। पहला है स्ट्रक्चर इवैल्यूएशन, दूसरा है प्रोसेस इवैल्यूएशन और तीसरा है आउटकम्स इवैल्यूएशन। स्ट्रक्चर इवैल्यूएशन में क्या होता है, इट फोकस ऑन सेटिंग्स इन विच केयर इज प्रोवाइडेड टू द पेशेंट। किस पे फोकस करना होता है स्ट्रक्चर इवैल्यूएशन में, सेटिंग्स पे, मतलब पेशेंट को किस जगह पे हम केयर दे रहे हैं, किस कौन सा प्लेस है वो क्वालिटी केयर को अफेक्ट करता है, ठीक। नेक्स्ट है प्रोसेस इवैल्यूएशन, इट फोकस ऑन हाउ द केयर वॉज प्रोवाइड टू पेशेंट इफ द केयर बींग प्रोवाइडेड रेलिवेंट टू द पेशेंट इज नीड। इसमें क्या होता है प्रोसेस इवैल्यूएशन में, हम पेशेंट को क्या फोकस करते हैं कि किस तरीके से उसको केयर प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके नीड्स के अकॉर्डिंग क्या हम उसे केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा प्रोसेस इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है आउटकम्स इवैल्यूएशन, इट फोकस ऑन विजिबल चेंज इन द पेशेंट हेल्थ स्टेटस एज अ रिजल्ट ऑफ नर्सिंग केयर प्रोवाइडेड। क्या हमने जो नर्सिंग केयर दिया है उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट आया है, क्या पेशेंट की हेल्थ स्टेटस सही है कि नहीं है। आउटकम क्राइटेरिया आर रिटेन इन टर्म्स ऑफ पेशेंट रिस्पॉन्स हेल्थ स्टेटस। क्या होता है कि जो पेशेंट की हेल्थ स्टेटस है उसे इवैल्यूएट करते लास्ट में पेशेंट की कंडीशन सही है कि नहीं सही है, वो भी पेशेंट के रिस्पॉन्स पे हम लिखें कि हाँ पेशेंट की जो कंडीशन है वो सही है, एक रिटन फॉर्म में उसे हम रिकॉर्ड की तरह मेंटेन करके रखेंगे। सो वो हमारा होता है आउटकम्स इवैल्यूएशन, मतलब पेशेंट की आउटकम्स देखते हैं कि क्या पेशेंट जब एडमिट हुआ था और जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं तो क्या धीरे धीरे पेशेंट के हेल्थ स्टेटस में प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस चीज को इवैल्यूएशन करते हैं। सो उसे हम कहते हैं आउटकम्स इवैल्यूएशन। सो ये रहा हमारा पूरा कंपोनेंट, एक क्वालिटी केयर देने के लिए पेशेंट को ये सारे कंपोनेंट का होना जरूरी है।